गुड इवनिंग एवरीवन। ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बताइएगा क्या आंसर आएगा पहले पार्ट का, बताओ। बताइए तो, समझ में आया पहला सवाल? देख, यू में चार के 40 एलिमेंट दे रखे हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? यहाँ डिविजल बाय 2 और 3 दे रखा है सेट है, जो 2 से भी डिविजल है और 3 से भी डिविजल है, उसका मतलब वो 6 से डिविजल होना चाहिए। तो ये नंबर कौन कौन से आएंगे हमारे पास यहाँ ए में? 6, 12, 18, 24, 30 और 36, यानी कुल कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। नहीं, और सेट भी क्या है कि वो एन स्क्वायर होना चाहिए। एन स्क्वायर का मतलब उसका स्क्वायर निकल के आ जाए नंबर। तो यहाँ पे किन किन के स्क्वायर बताएं आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ जो एलिमेंट आने चाहिए। तो कितने आ गए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट बी में? कितने आ गए बेटा? 6 आ गए, नहीं आ गए? तो आंसर क्या आएगा बता? क्या आंसर आएगा नैतिक? वेरी गुड, सेकंड पार्ट पढ़ जा। दूसरा देखो, आर एक सेट दे रखा है, यहाँ डब्ल्यू का मतलब जानता है होल नंबर होते हैं, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। 2x + y की वैल्यू 8 है, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? यानी कि हम लोग क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की यहाँ पे? देख, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। एक्स के लिए 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा बता जरा? होल नंबर आना चाहिए भाई एक्स और वाई। 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? एक्स को 0, वाई 8 आ जाएगा। और 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 पुट करेगा तो 2 हो गया ना, और हाँ, और 2 पुट करेगा तो कितना आएगा? 4, 8 में 4 क्या 4 आ जाएगा। 3 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा? 6, तो 3 और 2 आ जाएगा। 4 पुट करेगा तो कितना आ जाएगा? 4 पुट करेगा तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। और 5 पुट करेगा तो क्या आएगा? 5 पुट कर ही नहीं सकते हम लोग, क्यों? 5 पुट करेगा तो 10, तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो असला डोमेन क्या होगा इसका? 0, 1, 2, 3, 4। कौन सी ऑप्शन आ रही है? ऑप्शन है। तो क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है यहां तक बेटा? और मैंने डिफरेंट स्कूल के पेपर भेजे हैं, वो ट्राई करता रहिए बेटा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला देखो जरा, थर्ड थर्ड का आंसर क्या आएगा देखो। 10 75 डिग्री - cot 75। तो 1075 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1075 की वैल्यू कैसे निकलती है? तो दो दो वैल्यू निकालने का तो फायदा नहीं है। मैंने इसको लिखा 1075 डिग्री - 1/1075 लिख सकता हूं उसको मैं, cot 75 को कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 10² 75 डिग्री - 1/1075। अब खाली 1075 की वैल्यू निकालने का झगड़ा रह गया। 1075 कैसे निकालेंगे हम लोग बेटा? मैंने भी देखने की कोशिश करी, नहीं मिला। नैतिक को करो सॉल्व।
काशवी का पेपर है, काशवी नहीं पहुंची, लक्ष्य का पेपर है, लक्ष्य नहीं पहुंचा, हम आगे से क्या बोले इनको, है कोई नहीं आया बेटा, देख तू ही है केवल ऑनलाइन, सबके पेपर चल रहे हैं, बताता भी नहीं बच्चा मेरे पेपर है, ये हाल है। हाँ 1075 की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, देख जरा याद है फॉर्मूला, 10a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, 1045 + 70 1045 डिग्री प्लस, याद है नहीं है 10a+b का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 + √3/1 − √3 एलसीएम ले लो कितना रह जाएगा, √3 + 1/√3 − 1 आ जाएगा, ये आपकी 1075। अब इसको रेस्टलाइज करूँ मैं यहाँ पे, √3 − +1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 का square / 2 आ गया, ये आएगा 3 + 1 + 2√3/2 4 + 2√3/2 तो अल्टीमेटली 2 + √3 रह गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो क्या आ गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर − 1/2 + √3 सॉल्व करो उसको कितना आएगा, 4 + √3 2 = 4√3 आ जाएगा, −1/ एक नंबर के हिसाब से बड़ा लगा मुझे, 6 + √3/2 + √3 ऊपर से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लो कितना आएगा, या ऊपर से 4 + 3 2 = 4 + 2 √3 − 1 आ गया मेरे पास, क्या क्या 4 + 3 = 7 7 में से गया 6 6 + 4√3/2 + √3 तो यहाँ से अगर हमने 3 2 कॉमन निकाला तो 3 + कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, देखो इनसे तो कोई आंसर मैच कर नहीं रहा, दोबारा देखना पड़ेगा कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, देख जरा बहुत रीजनेबल है, अपना नाम दे दोगे तो और रीजनेबल हो जाएगा, सही नहीं मतलब बहुत सिंपल था, बहुत बढ़िया 25 साल से कर रहा है यार। हाँ जी बेटा गलती पता लगी कुछ, ये बेटा ये तो 6 है, अभी देख रहा हूँ जरा, गलती लगी है बेटा इसमें पता नहीं लग रहा,
कुछ है, कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, देख गड़बड़ पता नहीं लग पा रही है। जी बेटे बोलो। कर तो सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो रहा है उससे बेटा। चल कर लेते हैं रेशलाइज, कर लेते हैं, कर जरा रेशलाइज। एक नंबर के हिसाब से फिर मुझे बड़ा लग रहा था, तरीका तो ठीक है हमारा बिल्कुल। या साइन और कॉज में कन्वर्ट करके करो उसको, तब होगा ये तो और आसान हो जाएगा, पर एक नंबर के हिसाब से फिर बड़ा है ये। या इसका फिर दूसरा तरीका आएगा एक, इसका आंसर ए आएगा फिर बेटा। रेशलाइज करने के बाद तो खत्म हो गया था सवाल, सही यही आंसर है इसका। हाँ मतलब थोड़ा एक नंबर के हिसाब से काफी बड़ा दे दिया है। चौथा सवाल करेंगे जरा, ठीक है। हाँ ये आएगा इसका, थर्ड का ये आएगा, चौथा देख। एक्स प्लस आयोटा वाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन जेड किसके ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ कब होगा बताओ। नहीं ये गिर गया होगा, हाँ नहीं जमाया था मैं ना। हाँ जी बेटा क्या आएगा सर, देखो एक्स प्लस वाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू किसकी आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी। पता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है बेटा, यानी कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। कंजुगेट ऑफ जेड क्या हुआ, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं मतलब माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई हुआ, नहीं था सर। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड कितना दे रखा है आपको, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई दे रखा है आपको। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेशलाइज करना पड़ेगा। तो ये वैसे उस हिसाब से सवाल क्या हो रहा है, एक नंबर के हिसाब से बड़ा हो रहा है, तभी पॉसिबल होगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे ना, इसी से पता लगा लेंगे, यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो से क्या आनी चाहिए, भी आनी चाहिए, यानी कि जेड बाई वाई तभी होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट लाई करने के लिए दोनों की वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए, भी होनी चाहिए। पांचवा देख जरा,
इकट्ठा करके यो पेपर बेटा दे पांचवा देख जरा कितना बड़ा बेटा दे। अच्छा पांचवे का भी आ रहा है, देखता हूँ जरा, अगर सही आ रहा हो तो फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। पांचवे का बेटा ए आ रहा है, पांचवे का ए आंसर आ रहा है। हम बताते हैं कैसे ए आएगा, देखो जरा सॉल्व करा इसको हमने, कुछ गलती करी होगी। देखो सिक्स इज लेस देन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का सिक्स एक्स आ गया और प्लस का कितना आ गया 12। कोई बात नहीं बेटा, यही चलेगा बेटा, मिल गया। अब मास्टर आ जाएंगे, लग जाएगा लाओ। अच्छा मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा मामला। हाँ जी बेटा हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। छठा देख तेरे लिमिट डेरिवेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फिर मैं उसको सॉल्व ना करूं मैं। ये पता है कौन से स्कूल का पेपर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका आंसर 2/3 आ रहा है, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ वो जी पता लगा इसका, कभी रिमोट मिल जाता तो मजा आ जाता। सातवा देखो जरा, सातवा तो तेरे में है। आई डू नॉट द एम्प्टी सेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी बात सच्ची है? नहीं डी डी नहीं आएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा बी। देखिए क्यों, फाई डिनोट द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाई अगर है, फाई का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फाई इसको बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है। और फाई पहले ही वाला देख लेते हैं, गलत वाला देख लेते हैं। ये बात भी एलिमेंट के लिए कह रहा है, ये बात भी एलिमेंट के लिए, तो एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट क्या, फाई किसको बिलोंग करेगा? तो यानी कि ये एफ डिनोट है एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, तो जो एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, ये फाई एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। आठवा देखिए, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकालते हैं, बी टू ए, टू की पावर एम एन होता है बेटा, क्या होता है, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे तीन है, तो टू की पावर कितना हो जाएगा, सिक्स, क्या आंसर आ जाएगा आपका 64। हाँ करो बेटा नाइन्थ और टेंथ और करो जरा बेटा, नाइन टेन इलेवन करो, मैं पाँच मिनट दे रहा हूँ उसके बाद चेक करूँगा सारे। नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व तो तेरे में आ नहीं रहा, नाइन टेन इलेवन कर ले।
बेटा नाइन्थ का आंसर क्या आया तेरा? नाइन्थ का आंसर क्या आया तेरा? नाइन्थ का आंसर बिल्कुल ठीक है। टेंथ का आंसर क्या आया तेरा? टेंथ का आंसर ए आएगा बेटा, टू आएगा। टेंथ का क्या आंसर आया तेरा? जीरो बोल रहा है ना टेंथ का आंसर? टेंथ का आंसर ए टू आ रहा है बेटा मेरे पास तो। देखते हैं गलत क्यों है। देखो मेरे पास आंसर ये आ रहा है, वाला ये नंबर कितना हो गया बेटे? रूट माइनस टू इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको हम लोग? तो इसका मतलब भी तो क्या हो गया, रूट टू आयोटा ही हुआ। यस और नो? रूट टू आयोटा ये कितना हो जाएगा? माइनस रूट टू आयोटा इंटू आयोटा हुआ, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, माइनस वन तो प्लस हो गया, तो रूट टू आयोटा प्लस रूट टू नहीं हो गया? अब रूट टू का स्क्वायर करेगा अंडर रूट में प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो क्या आ गया? ये टू प्लस टू आ गया, फोर आ गया। फोर का अंडर रूट कितना होता है? टू होता है बेटा। क्या आंसर आएगा इसका? ए नहीं आएगा। चलो ग्यारहवा करेंगे अब जरा। बारहवा तेरे में आ नहीं रहा, बारहवें का आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तेरहवा ग्यारहवा कर जरा। ग्यारह वाला, तेरहवा और चौदहवा करेंगे। इलेवंथ का क्या आया आंसर तेरा? ग्यारह बी ठीक है तेरा। ट्वेल्थ है नहीं, ट्वेल्थ का आंसर वैसे पता है जीरो आएगा। ट्वेल्थ का आंसर कितना आएगा? जीरो। हम कर नहीं रहे पर वो क्यों तेरे सिलेबस में नहीं आ रहा। थर्टीन देख, बेटे थर्टीन में देखो इसका शेडेड डिजिट बताना है क्या है। ये देखो सी सेट आ रहा नहीं आ रहा, ये बी सेट पूरा पूरा आ रहा नहीं आ रहा, इसमें वो पार्ट नहीं आ रहा जो ए और सी में कॉमन आ रहा है, यानी कि जो बी पे जो आ रहा है बी में ए और सी का कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जो शेडेड रीजन है। फोर्टीन देख जरा, सोलवा है नहीं अभी तेरे में, बाकी ट्राई कर, दो मिनट दे रहा हूँ देखो।
जी नैतिक सॉल्व हो गया, क्या आंसर आया तेरा 14th का बता जरा। 14th का भी आएगा भाई बताओ, ये समझ में आ गया? देखिए 40 डिग्री 20 मिनट है मेरे, 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब कितना हो गया, 40 and 1/3 हो गया, क्योंकि 20 डिग्री है यहाँ पे और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना बेटा। तो 60 मिनट में अगर 1 डिग्री होती है तो 20 में कितना होगा, तो एक एक मिनट में कितनी डिग्री होगी, 1/60। 20 में कितनी होगी, 1/60 × 20, तो 1/3 नहीं हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 121/3 डिग्री हो गया। और उसको रेडियन में कन्वर्ट करेगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 121/540। कहाँ है ऑप्शन, कहाँ गए, तो 20 का राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देख जरा 15वें का आंसर, देखा क्या आएगा तेरा, कॉल कर ले बता फिर, मैं चेक करके बताई तुम क्या आएगा 15th में क्या बनेगा। क्या कर गया 15, का आंसर बता मुझे क्या है। कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो ये आएगा सही है, सही है बेटा 15 का भी ठीक है। 16 तेरे सिलेबस में नहीं है बेटा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे लिमिट नहीं आ रही है। पहले 16 का आंसर भी क्या आएगा, बी आएगा। चलिए आगे चल लेते हैं थोड़ा बहुत, 4 सवाल और करेंगे बस हम लोग। 17 का आंसर क्या आ रहा है देख जरा तेरा, ये SMS के पेपर में भी आया था सेम सवाल। 17 18 करो जरा, 18 तेरे सिलेबस में नहीं है, 17 कर। सेवनटीन का बताइए क्या आंसर आएगा, 17। हाँ, तभी तो डिस्कस हो रहा है। हाँ है? क्यों, किसने मना किया था, देखो कितना बढ़िया बच्चा है तेरे, बहुत तेज है, शार्प है उसका माइंड, थोड़ा किसने, क्या हरित ने क्लास ली है क्या 8 घंटे की? तो मैं समझ नहीं आती, मैथ का तो कोई और चोर नहीं है, लेकिन अकाउंट सारा फिर भी नहीं होता, कैश बुक इनकी फिर भी नहीं, कैश बुक में भी निकल की खत्म, कैश बुक होगी नहीं इनकी, वो वाली बात है, एक ट्रांजेक्शन बच जाएगी हो गया काम खत्म, फिर रिटेन वाली एंट्री नहीं होगी अकाउंटिंग में एक ट्रांजेक्शन में तो गलती करेंगे करेंगे। अच्छा बच्चा, चल मैं कर रहा हूँ, चलो 17 का सी आएगा बेटा, तू ट्राई कर लियो, 17 का सी आएगा, 18 का बी आएगा, चेक कराए तो तेरा, और 19 का क्या आएगा, बी, और 20 का डी, 19 का बी और 20 का डी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और बाकी सवाल आप सॉल्व करेंगे, ऑल द बेस्ट। हाँ बस, हाँ बस 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 बस, ठीक है बेटा, गुड इवनिंग।